नवंबर 2014 में हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को केन्या में पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में उनके पति या ममता के शब्दों में कहें तो पार्टनर विकी गोस्वामी के साथ हिरासत में ले लिया था। उसके बाद से ममता की कोई खबर नहीं है और ममता कुलकर्णी पिछले कई सालों से चर्चा से गायब है। तो आइए जानते हैं कहां गई वो। ममता आखिरी बार 2001 में रिलीज हुई फिल्म छुपा रुस्तम में नजर आई थी। ममता तब 30 बरस की थी और संजय कपूर के साथ बनी उनकी जोड़ी को पसंद किया गया था। ये फिल्म बहुत तो नहीं चली लेकिन अपने गानों की वजह से ये चर्चा में जरूर रही। इस फिल्म के बाद ममता कुलकर्णी फिल्मों से जैसे गायब हो गई। कई नायिकाएं फिल्मों से गायब होने के बाद भी फिल्मी समारोह में जब तब दिखाई देती रहती हैं। ममता के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस लंबे ब्रेक के बाद ममता को लेकर कभी ये अफवाहें फैलती कि वो मुंबई में है, कभी कहा जाता कि वो दुबई में है। मुंबई में उनके पड़ोसियों को भी ठीक ठाक नहीं पता कि वो कहाँ है। ममता कुलकर्णी ने यूएस में रहने वाले एक एनआरआई से शादी जरूर की थी लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। इस शादी के टूटने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड विकी गोस्वामी के साथ दुबई शिफ्ट हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा रही है कि ममता कुलकर्णी मानसिक रूप से भी परेशान है। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि वो किसी मनोचिकित्सक की सेवाएं भी ले रही हैं। ममता कुलकर्णी पिछले साल फेसबुक पर अचानक प्रकट हो गई। सितंबर 2012 में जब वो फेसबुक पर दिखी तो उन्होंने अपनी लोकेशन मुंबई बताई थी। इसके अलावा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। विवादों में वो तब भी आई थी जब साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए उन्होंने टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। इसके बाद उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि ये फोटोशूट काफी चर्चा में रहा, इसकी कॉपियां ब्लैक में बिकी थी। ममता हिंदी सिनेमा जगत की वो एक्ट्रेस थी जो अपनी बोल्डनेस और अपनी बेबाकपन से लोगों के होश उड़ा दिया करती थी। 90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 1992 में तिरंगा मूवी से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की जिसके बाद वो लोगों के दिलों पर राज करने लगी और एक दिन अचानक गायब हो गई। लेकिन कौन जानता था कि ये अभिनेत्री अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स के दलदल में ऐसी फंसेगी कि लोग उनका नाम तक याद नहीं रख पाएंगे। खबरों के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी रचाई। कहा यह भी जाता है कि एक्टर पति विकी के साथ मिलकर कई अवैध कामों का भी हिस्सा बनी। उसके बाद नवंबर 2014 में हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को केन्या में पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में उनके पति के साथ गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ममता की कोई खबर नहीं है। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिन नाम की एक किताब लिखी है। वो अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं। उनका लुक भी पहले से काफी बदल चुका है। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता कुलकर्णी ने एक बार कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ।